वेलकम टू स्टडी जोन। आज है 13 अगस्त 2018 और इस वीडियो में मैं आपसे 13 अगस्त 2018 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो की PDF फाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और लास्ट में कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन में से मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आपका पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के विख्यात लेखक V.S. नोयपाल का निधन हो गया। V.S. नोयपाल को नोबेल पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? V.S. नोयपाल का पूरा नाम है विद्याधर सूरज प्रसाद नोयपाल और इन्हें 1971 में बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। वहीं 2001 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसमें आपका आंसर आएगा 2001 में और नोयपाल का जन्म 1932 में त्रिनिदाद में हुआ था और नोयपाल की पहली किताब द मिस्टिक मैसेज 1951 में प्रकाशित हुई थी। आपको ये पुस्तक का नाम भी याद रखना है और नोयपाल के कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं और वे हैं ए बेंड इन द रिवर और ए हाउस ऑफ मिस्टर बिस्वा। आपको ये दोनों उपन्यास याद रखने, ये आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते रहे हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, त्रिनिदाद और टोबैको कैरेबियन सागर में स्थित पूरी तरह से द्वीपों पर स्थित एक देश है और यह दक्षिण कैरेबिया में वेनेजुएला के उत्तर पूर्व में स्थित एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस या वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? तो इसमें आंसर आएगा वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस हाथियों के संरक्षण, गैर कानूनी शिकार और तस्करी रोकने और उनके बेहतर इलाज और पकड़े गए हाथियों को अभयारण्यों में भेजे जाने के लिए जागरूकता प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस दिवस का आयोजन का उद्देश्य जंगली हाथियों की संख्या, उनकी बेहतरी और प्रबंधन के बारे में जानकारी मुहैया कराना है। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फिलहाल वन और पर्यावरण मंत्री कौन है? तो प्रेजेंट में वन और पर्यावरण मंत्री है सुरेश प्रभु। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस बार का सर्वश्रेष्ठ हाथी योद्धा पुरस्कार किसे दिया गया? तो वन और पर्यावरण मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा इस बार का सर्वश्रेष्ठ हाथी योद्धा पुरस्कार दिवंगत डॉक्टर मणिकंदन को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश के किन राज्यों में सी प्लेन के अड्डे बनाने की मंजूरी दी है? तो इसमें आंसर आएगा उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और असम। यानी ये आपके टोटल 5 राज्य हैं जिनमें सी प्लेन के अड्डे बनाने की मंजूरी दी गई है और पहले चरण में सबसे पहले सी प्लेन के अड्डे गुजरात के साबरमती नदी, सरदार सरोवर बांध और उड़ीसा के चिल्का झील में बनाए जाएंगे। इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और धार्मिक मान्यता रखने वाली जगह से कनेक्टिविटी अच्छी होगी। इसमें आपका नेक्स्ट आता है कि नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो प्रेजेंट में नागरिक उड्डयन मंत्री है सुरेश प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा ने किस विधेयक को पारित किया है जिसमें NRI यानी प्रवासी भारतीयों को प्रॉक्सी वोटिंग का अधिकार का प्रावधान है? तो इसमें आंसर आएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल अमेंडमेंट बिल 2017। इस बिल में NRI यानी प्रवासी भारतीयों को वोट देने की मंजूरी दी गई है और प्रॉक्सी वोटिंग का मतलब है वोटर लिस्ट में शामिल NRI अपने चुनाव क्षेत्र में किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी तरफ से वोट देने के लिए अधिकृत कर सकता है और देश में कुल 543 लोकसभा क्षेत्रों में 1.1 करोड़ NRI वोटर हैं और अगर औसत देखा जाए तो हर लोकसभा क्षेत्र में औसतन 21,000 NRI वोट हैं। अगर आपसे NRI दिवस पूछा जाए या प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है तो आपका आंसर होगा 9 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में बिना पकाए खाए जाने वाले किस प्रजाति के चावल को भौगोलिक संकेतक यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर यानी GI टैग मिला है? तो इसमें आंसर आएगा बोकासोल के चावल को। GI टैग उस प्रोडक्ट को मिलता है जो किसी खास जगह पर ही मिलता है। पीछे करंट अफेयर के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि कड़कनाथ मुर्गा को हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार का GI टैग प्रदान हुआ है और वह मध्य प्रदेश सरकार के झाबुआ जिले में पाया जाता है। इसलिए आपको ये क्वेश्चन रिवाइज करते रहना है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि बोकासोल किसकी एक प्रजाति है, तो यह चावल की प्रजाति है। आपको याद, आपके ऑप्शनों में चावल, गेहूं, कुछ भी हो सकता है, तो आपको ये रिवाइज करते रहना है। जब भी आपका सामने GI टैग का नाम आए तो आपको कड़कनाथ मुर्गा,
मध्य प्रदेश की प्रजाति है, मुर्गे की प्रजाति है, बोकासोल चावल की प्रजाति है, असम का इसे जीआई टैग प्रदान हुआ है। तो आपको ये रिवाइज करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो इसमें आंसर आएगा राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष रेखा शर्मा को बनाया गया है। और सितंबर 2017 में पूर्व अध्यक्ष ललिता कुमार मंगलम के पद छोड़ने के बाद वह कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर यह पद संभाल रही थी। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा की गई थी और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि किस अधिनियम, तो आपका आएगा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, और इसकी स्थापना कब की गई? जनवरी 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। आपको दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस याद रखना है। और नेक्स्ट है, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाला यह देश का सर्वोच्च संगठन है, और इसके अलावा यह महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कानूनी माध्यमों की भी समीक्षा करता है। और राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों से संबंधित मामलों के बारे में सरकार को परामर्श भी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रेशम बोर्ड ने रेशम कीट के अंडों की नई प्रजाति को अधिसूचित किया है, इसका नाम क्या है? तो इसमें आंसर आएगा इसका नाम है BDR-10। आपके ऑप्शनों में BDR-10 हो या उष्ण कटिबंधीय तसर रेशम कीट, दोनों का मतलब एक ही है। और यह प्रजाति पारंपरिक डाबा नस्ल की तुलना में 21% तक अधिक उत्पादकता करता है, और बेहतर उत्पादकता और गुणवत्ता के बल पर किसानों की आय बढ़ेगी। और केंद्रीय रेशम बोर्ड वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जब भी किसी मंत्रालय की बात आती है तो आपके दिमाग में उस मंत्रालय के मंत्री का नाम आना चाहिए, और फिलहाल वस्त्र मंत्री है स्मृति ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने किस राज्य को धन्यवाद प्रकट करने के लिए धर्म चक्र गिफ्ट किया है? तो इसमें आंसर आएगा कर्नाटक राज्य को। तिब्बतियों की ओर से आयोजित 10 अगस्त को धन्यवाद कर्नाटक समारोह में कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी को धर्म चक्र नाम से स्मृति चिन्ह भेंट किया गया है। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, कर्नाटक भारत के दक्षिण में स्थित एक राज्य है, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री है HD कुमार स्वामी, और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, और यहाँ की राजभाषा कन्नड़, और कर्नाटक के राज्यपाल है वेजू भाई वाला। कर्नाटक राज्य से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? तो गोल गुंबज बीजापुर में स्थित है, जो कि कर्नाटक राज्य में है, और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और भारत का सबसे बड़ा गुंबद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला मेला या इंडिया आर्ट फेयर 2019 के 11वें संस्करण के निदेशक कौन होंगे? तो इसमें आंसर आएगा इसके निदेशक होंगे जगदीप जगपाल। और भारतीय कला मेला 2019 का 11वां संस्करण 31 जनवरी से 3 फरवरी तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। आपका ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यह कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो आपको ये भी याद रखना है इंडिया आर्ट फेयर नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल का नया कार्यवाहक आर्मी चीफ किसे बनाया गया है? तो इसमें आंसर आएगा पूर्ण चंद्र थापा को। और 9 सितंबर को राजेंद्र छेत्री के रिटायरमेंट के बाद पूर्ण चंद्र थापा नेपाल के सेना के नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जगह पर दक्षिण नौसेना कमांड द्वारा मदद नामक अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसमें आंसर आएगा केरल राज्य में। केरल राज्य में हाल ही में बहुत ज्यादा बारिश के कारण बाढ़ आई हुई है, और इसी कारण केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां की स्थिति को देखते हुए तत्काल प्रभाव से 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद का ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार कितने देशों को मिलने वाली ई वीजा सुविधा की समय सीमा बढ़ाने की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा 165 देशों की, और यह सुविधा 25 हवाई अड्डों और 5 बंदरगाहों पर मिलेगी, और यह निर्णय पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। और फिलहाल केंद्रीय पर्यटन मंत्री है KJ अल्फोंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SCO शांति मिशन अभ्यास 2018 कहाँ आयोजित किया जाएगा? SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन, और यह अभ्यास 22 से 29 अगस्त तक रूस में आयोजित किया जाएगा। इस संयुक्त अभ्यास का मकसद शांति की स्थापना करना
और आतंकवाद विरोधी कार्रवाई को बढ़ावा देना है। यह अभ्यास SCO सदस्य राष्ट्रों के बीच में एक प्रमुख मील का पत्थर है और इस अभ्यास को पीस मिशन 2018 के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष के सैन्य अभ्यास में रूस, पाकिस्तान, चीन, भारत, कर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान के 3,000 से अधिक सैनिक भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 से 19 अगस्त तक भारतीय सेना द्वारा चीन के लिए आयोजित सद्भावना यात्रा की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसमें आंसर आएगा, इस यात्रा की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट अभय कृष्णा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी भाषा जिसे विकिपीडिया ने स्क्रिप्ट संस्करण के में प्रयोग करना शुरू कर दिया है? तो इसमें आंसर आएगा, संथाली भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबीसी हिस्ट्री मैगजीन द्वारा जारी टॉप 100 इतिहास रचने वाली महिलाओं की सूची में किसे पहला स्थान मिला है? तो इसमें आंसर आएगा, मैरी कॉम को। मैरी कॉम एक भारतीय मुक्केबाज हैं, वे मणिपुर की रहने वाली हैं और मैरी कॉम 5 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रह चुकी हैं। मैरी कॉम को सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और मैरी कॉम ने 2012 के लंदन ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता था। वहीं 2010 के एशियाई खेलों में भी कांस्य पदक और 2014 के एशियाई खेलों में उन्हें स्वर्ण पदक मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दक्षिण अफ्रीका द्वारा जारी संयुक्त डाक टिकट पर किस भारतीय को अंकित किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा के नंगला चंद्रभान गांव में हुआ था। हाल ही में इनसे रिलेटेड आपका एक और करंट अफेयर का क्वेश्चन था और वो था कि उत्तर प्रदेश के मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो उत्तर प्रदेश के मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का निर्माण 1862 में उस समय हुआ था जब ईस्ट इंडिया कंपनी हावड़ा और दिल्ली को रेल मार्ग से जोड़ रही थी। इस रेलवे स्टेशन के निर्माण के 106 साल बाद 11 फरवरी 1968 को पंडित दीनदयाल रेलवे जंक्शन के निकट रहस्यमय हालात में मृत अवस्था में पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी महिला क्रिकेटर दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज क्रिकेटर बन गई है? तो इसमें आंसर आएगा, भारत की स्मृति मंदाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सिनेमाघरों में भारी खाने पीने का सामान ले जाने की इजाजत दे दी है? तो इसमें आंसर आएगा, सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जनपद एक उत्पाद शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसमें आंसर आएगा, इसका आयोजन लखनऊ में किया गया और इसका शुभारंभ भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरित पर्यावरण परियोजनाओं के लिए कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा, परिवेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जैव ईंधन दिवस पर, विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है और इस अवसर पर परिवेश, आपसी परामर्श, गुणकारी और पर्यावरण एकल खिड़की के माध्यम से सक्रिय और जवाबदेही सुविधा के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी बैटरी संचालित वाहनों की संख्या प्लेट का रंग अब क्या होगा? तो इसमें आंसर आएगा, बैटरी संचालित परिवहन वाहनों में हरी नंबर प्लेट पर पंजीकृत संख्या पीले रंग में अंकित होगी और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस बारे में केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन को अधिसूचित किया है और वहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 अगस्त 2018 को रक्षा औद्योगिक गलियारा कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसमें आंसर आएगा, अलीगढ़ में और अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है और वहीं भारत की रक्षा मंत्री है निर्मला सीतारमण और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3,000 मीटर स्टीपल चेज जीतकर 5वां यूरोपीय खिताब किसने जीता? तो इसमें आंसर आएगा, फ्रांस के महिदिने मेखिसी ने।
क्विज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर का हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं अनंत बजाज, शेखर बजाज, अमित बजाज, सुमित बजाज। क्विज के लिए आपका सेकंड क्वेश्चन है, पेप्सिको की सीईओ इंदिरा नूई के इस्तीफे के बाद पेप्सिको के नए सीईओ कौन होंगे? आपके ऑप्शंस हैं रमोन लगुर्ता, जेफ बेजोस, सुंदर पिचाई और राजेश डिंगरा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही आप हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस लिंक पर जाकर आप हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट पा सकते हैं।